देखो दोस्तों, फ्लाईओवर ट्रेम्पेड इंटरचेंज यहाँ पर बनाया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरा अपडेट दूंगा हरियाणा के अंदर जो 19 किलोमीटर का सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। दोस्तों, इसमें दो पैकेज हैं, पैकेज 4 और पैकेज 3। 19 किलोमीटर का सेक्शन है और वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है तो प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। दोस्तों, पूरी तरीके से ये बन के अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इसका फर्स्ट और सेकंड पैकेज है उसमें अभी वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया दोस्तों। और देख सकते हो पैकेज 4 और पैकेज 3 में ये अभी काम चल रहा है फिनिशिंग का दोस्तों, जो कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर बनाया गया है एक अंडरपास दोस्तों, और अंडरपास का ही देखो काम चल रहा है। साइडों की दीवारें भी बना दी हैं दोस्तों, और इसका फ्लोरिंग का काम भी कर लिया जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, अब इसे फ्लोर वर्क किया जाना है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है अभी द्वारका एक्सप्रेस वे पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हमारे दिल्ली NCR में पहली बार इतना सुंदर और इतना अद्भुत एक्सप्रेसवे बनाया गया है दोस्तों, जो कि 29 किलोमीटर का होने वाला सेक्शन है दोस्तों, जो कि द्वारका के खिड़की दौला से स्टार्ट होता, गुड़गांव के खिड़की दौला से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये द्वारका एयरपोर्ट तक जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये देखो महिपालपुर शिव मूर्ति के पास ये एंड होगा इसका। तो उसका भी आप लोगों को अगले वीडियो में अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उससे पहले आप ये देख लो किस तरीके से यहाँ पर ये NH 48 पे इंटरचेंज बनाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर इंटरचेंज है इसका दोस्तों। और इसका मैं क्लिप दिखाता हूँ आप लोगों को, जब देखना कितना ही सुंदर बनाया गया। ये देखो यहाँ पर ये बैरिकेड लगा रखे हैं ताकि ये ऊपर पब्लिक ना जा सके, लेकिन फिर भी ये टू व्हीलर वाहन वाले चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें आप लोग दिखाएंगे पूरा, ये 19 किलोमीटर का सेक्शन है और देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना अद्भुत नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ग्राउंड लेवल से दोस्तों। लेकिन मैं ऊपर एलिवेटेड तो पार्ट तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर सब तरीके से बंद कर रखा है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर जो मेन कैरिज वे है ना दोस्तों, उसकी 8 लेन है दोस्तों, 4 लेन इस साइड, यानी कि 16 लेन का ये एक्सप्रेस वे है। अब इसमें से 8 लेन तो एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाली है और 8 ही लेन दोस्तों सर्विस लेन दी जाएंगी, यानी कि लोकल ट्रैफिक के लिए दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, चलो आपको ये इंटरचेंज दिखाता हूँ। आप सभी ने देखा कितना अद्भुत इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कॉमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोगों को बता दो, जब से ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है दोस्तों, तब से यहाँ पर कंपनियों की तो भरमार है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आ गई हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही हाई फाई। आप लोगों को बता दो ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है और साथ ही अगल बगल में भाई साहब क्या ही बोलूं आपको कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। कि एक तो एक्सप्रेस वे इतना हाई फाई बनाया गया है, दूसरी बात यहाँ पर जो कंपनियाँ आएंगी उनके लिए भी रहने के लिए भी रेजिडेंसी भी बहुत ही सुंदर है, कनेक्टिविटी हर तरीके से चारों तरफ से आप सभी को ना कनेक्टिविटी इस द्वारका एक्सप्रेस वे से मिलने वाली है दोस्तों। अंडर पासिस हो गए इसका भाई साहब, ऊपर से हो गया, अंदर नीचे से हो गया, मतलब कि क्या ही बताएं आपको, इतना खूबसूरती के साथ में ये द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया है दोस्तों, क्या ही बूझो आप लोग। तो आप लोग तस्वीरें देखो और एंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
यहाँ से आप लोग देखो कितना ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। आप लगा लो कि जब इसका ग्राउंड लेवल इतना सुंदर है तो एलिवेटेड कितना सुंदर होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हो। लेकिन अभी बंद कर किया हुआ है, जाने नहीं देते हैं ऊपर। लेकिन अभी इधर तो आपको बता दूँ कि पैकेज 4 और पैकेज 3 में बिल्कुल काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पैकेज 2 और पैकेज 1 इस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो द्वारका में आता है यानी कि दिल्ली के अंदर आता है दोस्तों, जो कि 10 किलोमीटर का पार्ट है वो दिल्ली के अंदर है, तो उसी पर अभी वर्क चल रहा है। और जो कंपनी वहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है जय कुमार दोस्तों। और इस पर पैकेज 4 पर पैकेज 3 पर जो कंपनी वर्क कर रही थी वो कर रही थी दोस्तों L&T, जिसका काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग का ही काम किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब देख सकते हो रोड क्रॉस करने के लिए भी दोस्तों इसमें फ्लाईओवर दिया गया है ताकि आप लोगों को जाम में नीचे ना फंसना पड़े। देखो नीचे भी आपको गोल चक्कर बनाया गया है, फिर भी यहाँ पर आपको क्रॉस करने के लिए ये दोस्तों देखो फ्लाईओवर दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। और ये साइडों में आप लोगों को बता दो ये साउंड प्रूफ बैरियर लगाए गए हैं ताकि इसमें से आवाज़ नीचे ना जा सके वाहनों की, इसी वजह से ये साइडों में साउंड प्रूफ बैरियर लगाए गए हैं दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और बीच में भी एंटी ग्लेयर ब्लेड्स लगाए गए हैं दोस्तों ताकि आपने सामने से गाड़ियों का जो रोशनी है वो ना लगे दोस्तों, इसी वजह से बनाए गए। देखो कितना ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो।
अब देखो आप सभी किस तरीके से यहाँ एलिवेटेड सेक्शन बनाया गया है, तस्वीरें देख सकते हो। ये तो आप लोगों को बता दूँ, ये सर्विस लेन है दोस्तों, ये बीच वाली लेन नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि किस तरीके से ये द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, कितनी आधुनिक तरीके से बनाया गया है दोस्तों। नीतीश गडकरी साहब ने, भाई साहब 100 सालों तक ये याद रखा जाएगा कि भाई साहब हमारे देश में, हमारे दिल्ली NCR में कोई एक्सप्रेसवे ऐसा बनाया गया है दोस्तों, पहली बार इतना सुंदर एक्सप्रेसवे। और अब तो ये इसकी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, तो आगे आगे देखो और भी एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब ये इसका मुहूर्त होगा, जब इसमें भान फर्राटा भरेंगे, तब आप लोगों को इसका व्यू दिखाने लायक होगा दोस्तों, तब दिखाएंगे। अभी तो इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन पैकेज 4 और पैकेज 3 में फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखो KP Sant के चैनल पर दोस्तों, KP Sant लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP Sant को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों KP Sant के चैनल पर दोस्तों, पर डे वीडियोस KP Sant लाता रहता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल पर विजिट करो मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देखो किस तरीके से यहां पर यह, मतलब कि नीचे जो रोड निकल रही है उसको क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर का पार्ट दिया गया है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, ये राइट वाला मेन कैरिज भी है दोस्तों, और ये साइडों से मतलब नीचे वाली रोड को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर भी दिया गया है। यानी कि नीचे से भी जा सकते हैं और आप ऊपर से भी जा सकते हैं। अगर आपको जल्दी जाना है तो इस फ्लाईओवर का सहारा लेंगे, और जल्दी नहीं जाना है, इंजॉय करते हुए जाना, तो आराम से निकल जाओ धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो आप लोग किस आधुनिक तरीके से ये एक्सप्रेसवे को बनाया गया है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, तस्वीरें देख सकते हो, क्या ही अद्भुत नज़ारे हैं दोस्तों।
देखो आप लोग तस्वीरें, क्योंकि बीच में इन्होंने बंद कर रखा। और भाई साहब ये नज़ारे तो यहाँ पर तो यार इतना ही खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही बताएं आप सभी को। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, किस तरीके से एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों तो एंजॉय करो आप सभी। सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दोस्तों यही पार्ट लगता है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। भाई साहब इतना सुंदर लगता है क्या बताएं यार, देखो आप लोग तस्वीरें, देखो नज़ारे, देखो आप लोग क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। और नीचे आप लोगों को बता दूं गोल चक्कर भी बनाया गया है। देखो ऊपर तो एलिवेटेड सेक्शन है ही, लेकिन नीचे आप लोग देखो कितनी अद्भुत तरीके से इस एक्सप्रेस वे को बनाया गया दोस्तों। क्या ही भाई साहब, आप लोग यहाँ पर आओगे तो इतना आनंद महसूस करोगे, क्या ही बताएं आप लोगों को। कहीं पर भी कुछ भी आप लोगों को भाई साहब जरा सा भी झटका नहीं लगेगा, इतना स्मूथ भाई साहब बनाया गया है। और देखो आप लोग खूबसूरती देखो इसकी, क्या ही खूबसूरत है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही वीडियोस केपी संत अपने चैनल पर लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इंजॉय करो, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते हैं। लास्ट में कहां पर खत्म होता है तब आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों। Thank you.
देखा आप लोगों ने कि साइडों में भी अगल बगल में देख सकते हो कंपनियों ने किस तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर भाई साहब लोकल बमते पब्लिक के लिए भाई साहब कैसे सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, कंपनियाँ आई हुई हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया जाएगा आगे दोस्तों, यहाँ पर L&T का कंस्ट्रक्शन यार्ड था दोस्तों। देखो यहाँ पर ये बैरिकेड लगे हुए हैं, आगे रास्ता नहीं है, देख सकते हो JCB लग रही है। यहाँ पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है जो L&T के उसमें था पैकेज दोस्तों, उस पर। अब जैसे ही हम आगे चलेंगे वैसे ही यहाँ पर बैरिकेड लगा रखा है, इस साइड में तो L&T थी, उस साइड में दोस्तों जय कुमार काम कर रही है, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए। और देखो साइडों से रेलिंग भी लगा रखी है दोस्तों, और इसमें बस स्टैंड भी बनाए गए हैं दोस्तों, तो काफ़ी मतलब कि काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों, काफ़ी अद्भुत। और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गाइस मिलते किसी